भाई साहब यहाँ भीड़ देख सक। दूर से करने लगता है। ऐसा नहीं कर रहा। I hope you all are so good. So if you're new to this channel, don't forget to like, share and subscribe. तो अभी हम लोग हैं स्टेशन पर वेटिंग हॉल में। मेरे का वीडियो है या मैंने जो बनाया है कल से वो मैं इसके आगे ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए, बने रहिए ब्लॉग में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोलो बजरंग बली की जय। तो हमारी फिर से यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ बुआ रुक 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 जा मैं। हेलो हेलो। दोनों नीचे छोड़ एक है। पापा हेलो। उधर एक बुआ, इधर एक बुआ। तो हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम। ये बजरंगबली की जय जय जय। और हमारे साथ आए हुए हैं पापा के फ्रेंड अंकल आंटी भी, तो मैं उन लोगों से भी मिलाती हूँ। उन लोगों को पता नहीं कि मैं उन लोगों के बुगी पे आई हूँ, क्योंकि उन लोगों का बुगी S1 है और हमारा S5 में है। तो मैं अंदर ही अंदर आ गई और ट्रेन भी चालू हो चुकी है। हेलो हसन ही की रो रही है। बोरी छोड़ के चला गया, क्यों रो रही है लग रहा है। छोड़ दिया वो। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ सतना के स्टेशन पर, और यहाँ से हम लोग गाड़ी बुक करके जाने वाले हैं बागेश्वर धाम। तो आप देख सकते इधर मैं बाइक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ हमारे अंकल आंटी, यहाँ बुआ, पापा, मम्मी मसाज ले रही हैं। तो अभी हम लोग सब लोग नहा वहा करके एकदम प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, और अब बागेश्वर धाम ये स्टेशन है। एक्चुअली इस स्टेशन के ही वेटिंग हॉल में थे हम लोग अभी, और अब चलते उधर। तो मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जय बजरंगबली। आज हम लोग जो है भिलाई से सतना आए हैं, और सतना से अब हम लोग बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए हैं ये बोलेरो में। हम लोग सात लोग, आठ लोग आए हुए हैं साथ में, और हम लोग दो घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। बकरी शेर भालू दिखाते, बकरी दिखा रही है। शेर भालू तो सब दिखाते हैं, बकरी कौन दिखाता है, इसलिए दिखा रही है। हमारा डुग्गू होता तो ओ, 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 दूर से ही करने लगता है। ओ देखो देखो कुत्ता। अच्छा देखे, पहली बार देख रही हूँ। चार पैर है। झाग रहे पिंजरे से, ऐसे से कर रहा है, निकल कर नहीं चाहिए खाने का। बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। सो एक बार बोलते हैं बागेश्वर धाम की जय, प्रेतराज महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। खैर यहाँ पर मंदिर है। अगर आप भी बागेश्वर बालाजी के दर्शन पहली बार करने जा रहे हैं, तो यहाँ की कुछ विधि है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो यहाँ पर कहा जाता है नारियल बांध करके अपनी अर्जी लगानी होती है, जिससे आपकी मनोकामना बालाजी स्वयं बहुत जल्द पूरी करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी सामान मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपने घर से लेकर के जाइए। सबसे पहले आपको दो कपड़े चाहिए, एक काला कलर का, एक लाल कलर का, और दो नारियल। दोनों कपड़ों के ऊपर में आप एक एक नारियल रख दीजिए। नारियल के ऊपर में पांच टीके लगा दीजिए। उसके साथ आपको पांच लौंग रखने हैं, दो कपूर रखना है, दो पेड़े रखने हैं, और एक एक फूल रख देना है। और ये जो दोनों नारियल के कपड़े हैं, इन दोनों को आप अच्छे से टाई कर दीजिए, लेकिन अलग अलग करना है, एक साथ बिल्कुल नहीं करिएगा। और ये जो दोनों कपड़े हैं ये जा कर के आपको बालाजी के प्रांगण में बांधने होते हैं। तो इसके बांधने का तरीका ये होता है कि अगर आप लाल कपड़ा बांध रहे हैं तो आप अपने मन में अपनी मनोकामना बोलते जाइए और उसे टाई करते जाइए। फिर आप अगर ब्लैक कपड़ा बांध रहे हैं तो आपके घर में जो भी आपको नेगेटिव ऊर्जा लगती है या कुछ ऐसा बाहरी लगता है तो वो आप बोलते जाइए और ब्लैक वाले को बांधते जाइए। तो सेपरेट बांधना, ओके।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ कितनी लगी हुई थी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले थे अपनी कथा के लिए, इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी आपको आगे और दिखेगा कि लोग कैसे उनका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको परिक्रमा लगानी होती है, तो सबसे पहले हम परिक्रमा लगाते हैं फिर दर्शन करने चलते हैं। तो गाइस अभी देखिए आप लोग, मंदिर पीछे तरफ से एंट्रेंस है अंदर जाने का, और अभी परिक्रमा लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कहा जाता है या तो आप 3 बार लगाइए, या 5 बार लगाइए, या 11 बार लगाइए, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार, लेकिन एक बार भी लगाइए तो आप मन से लगाइए। तो अभी हम लोग पहले परिक्रमा लगा लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। कहा जाता है बागेश्वर बालाजी हनुमान यहाँ स्वयं प्रकट है अपने भक्तों के दुखों का नाश करने के लिए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। कहा जाता है प्राचीन काल में 300 साल पहले एक परम तपस्वी सन्यासी बाबा हुआ करते थे, जो इस स्थान पर रहकर हनुमान जी की आराधना करते थे। एक दिन परम तपस्वी सन्यासी बाबा इस स्थान पर रहकर हनुमान जी की तपस्या कर रहे थे। कुछ समय बाद प्रभु ने सन्यासी बाबा को दर्शन दिया और बाबा ने अपना इच्छा प्रकट करते हुए उनसे मांगा कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, जिससे कि मैं आपकी। कुछ समय बाद तपस्वी सन्यासी बाबा को बालाजी की विग्रह प्राप्त हुई, जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाना चाहूँगी वो स्थान। उसके पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, बालाजी के साथ साथ यहाँ पर प्रेतराज महाराज जी की भी पूजा होती है। प्रेतराज महाराज जी की पूजा एक यहाँ पर पेड़ है, उन्हें मानकर की जाती है। जो भी भूत बाधाएं प्रेत बाधाएं होती है वो सारी चीज़ों के लिए होता है। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं जितने भी लोग थे सब प्रेत बाधा भूत बाधा वाले लोग थे। जो पेड़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें प्रेतराज महाराज कहा जाता है, जिनकी चरणों में लोग आकर के प्रेत बाधाओं से मुक्त होते हैं। कहा जाता है बागेश्वर बालाजी की जो विग्रह है वो 300 साल पहले प्रकट हुई थी। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें से ही बागेश्वर बालाजी की विग्रह प्राप्त हुई थी। ये दोनों अलग अलग पेड़ नहीं है, ये एक ही पेड़ है, इसमें से हनुमान जी की विग्रह प्राप्त हुई थी। आशा करती हूँ बागेश्वर बालाजी हनुमान जी आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये हमारे सन्यासी बाबा जिनकी कठोर तपस्या की वजह से ही हमें बागेश्वर बालाजी के दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर से निकलने के बाद हम 2 घी के दिए जलाए। घी के जो दिए का फेस होना चाहिए वो मंदिर की तरफ होना चाहिए। हमने ये जलाने के बाद हनुमान जी के चालीसा का पाठ किया। अरे नाना, हमारी दाल तो गली नहीं सकती बिना शॉपिंग किए। आगे की जो मैहर की ब्लॉग आएगी उसमें भी आपको दिखाई देगा कि मैंने क्या लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ का देख सकते हैं, एज़ यूजुअल हम मंदिर से दर्शन करने के बाद निकल गए शॉपिंग करने के लिए, और भाई साहब यहाँ भीड़ देख सकते हैं, लोग लटक लटक के कथा सुन रहे थे, क्योंकि अंदर में कृष्णन धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए थे, उनकी कथा चल रही थी, जिसकी वजह से पैर रखने तक की जगह नहीं थी यहाँ पर। और हमें निकलना था मैहर के लिए, इसलिए हम वहाँ पे रुके नहीं, सीधा निकल गए। काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने गए थे, तो ऐसा नहीं था, हम सिर्फ दर्शन करने गए थे। गाइज़ मैं वीडियो का यहाँ पर एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हम एकदम बागेश्वर धाम के सामने खड़े हुए हैं और अब हम निकल रहे हैं। जो मेरी नेक्स्ट ब्लॉग आएगी वो आएगी मैहर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।